Good evening, Anupam ji. Good evening. Let's kick off today's Shamigana. Okay. वेलकम एवरीवन, नमस्ते दोस्तों. शामे गाना सीजन टू के 226वें एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपका होस्ट अनुपम, जॉइनिंग इन फ्रॉम प्रिंसटन, न्यू जर्सी. और मेरे साथ है आज के बहुत ही बेहतरीन गायक डॉक्टर तुषार, नवनीत जी, हेमल जी, सुतीज, सुचित जी और मदन जी. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर तुषार और उनकी टीम का, जो हर शुक्रवार की शाम को हम सब संगीत प्रेमियों को गाने का और गाने सुनने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. एंड वी कैन ऑल लिसन एंड एन्जॉय म्यूजिक एंड ऑल द मेमोरीज एसोसिएटेड विद अवर सॉन्ग्स राइट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ अवर होम. सो थैंक यू डॉक्टर तुषार और आपकी टीम को. शामे गाना की आज की थीम एक स्पेशल मकसद के साथ आई है. 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़ के गए और अपने गाने को, अपने संगीत को, अपनी आवाज़ को अमर करके चले गए. तो उसी आवाज़ का, उसी रफ़ी साहब का आज जश्न है. शामे गाना में उसी की महफिल है. और इस तारीख के बारे में किसी ने बहुत खूब लिखा है, ये तो तारीख है जो हर बरस आती है, ये तो तारीख है जो हर बरस आती है और हमें यकीन दिलाकर चली जाती है, और हमें यकीन दिलाकर चली जाती है. वरना दिल ये कभी मानता ही नहीं है, वरना दिल ये कभी मानता ही नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी साहब अब यहाँ नहीं है, कि मोहम्मद रफ़ी साहब अब यहाँ नहीं है. लेकिन हमारे साथ आज के सिंगर्स हैं जो उनकी यादें हमारे लिए ताज़ा करेंगे अपनी सुमधुर आवाज़ में. तो आज का शामे गाना है उनके गीतों की धरोहर और उनके जीवन की कुछ खट्टी मीठी बातें को याद करना, और यही आज हमारा ट्रिब्यूट है रफ़ी साहब के लिए. रफ़ी साहब वॉज अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर और उन्होंने हर तरह के गाने गाए. तो आज की शाम इज डिवाइडेड इंटू अ फ्यू सेगमेंट्स. कुछ दर्द भरे गाने हैं, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, कुछ भजन गजल है और कुछ फास्ट पेपी नंबर्स भी है. तो शुरुआत करते हैं दर्द भरे गानों से. और दर्द के बारे में अर्ज करता हूँ, कई दर्द है जीवन में, कई दर्द है जीवन में, एक और ही सही. मैंने सोचा इतना बेदर्द भी क्या जीना. तो शुरू करते हैं दर्द भरे गानों का सिलसिला जो दिल को छू जाते हैं. और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मदन जी को, जो 1968 की फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का एक बहुत ही खूबसूरत गाना पेश करेंगे. मदन जी वेलकम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस और आपकी मधुर आवाज में हम सुनते हैं ये गाना. नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रफ़ी साहब हमारे बीच में तो है नहीं, लेकिन उनके जो गाने नगमे हमारे साथ जो है वो सालों साल है, और ऐसे ही और कई साल हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनका मज़ा लेंगे। लेकिन आज की शाम जो है वो उन्हीं गानों को लेके कुछ पेश करते हैं। आइए गाना सुनते हैं, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना सुनते हैं। खया
अभी तक तो हो तो पे था तब सुम का एक सिलसिला बहुत शाद माथे हम उनको भुला कर अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंग मलाला गया कि चेहरे पे रंग मलाला गया हुई शाम उनका ख्याल आ गया हमें तो यही था गुरु गमे यार है हमसे दूर वही गम जिसे हम किस किस जतन से निकाला था इस दिल से चल कर कयामत की चाला गया वो चल कर कयामत की चाला गया हुई शाम उनका ख्याल आ गया वही जिंदगी का सवाल अनिल चौहान कराओके कराओके जगत में आपका पसंदीदा चैनल। थैंक यू। वाह 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 बहुत खूबसूरत स्टार्ट फेसबुक पे कमेंट्स भी आ रही हैं वेरी नाइस मदन जी लवली स्टार्ट ग्रेट स्टार्ट और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने गाना पेश किया यू नो यू जस्ट चेंज द एनवायरनमेंट मेड इट सो सूदिंग सो थैंक यू वेरी मच। मदन जी अपने बारे में कुछ बताइए वेर आर यू जॉइनिंग अस फ्रॉम। I am in California, wonderful San Francisco Bay Area, California. And I don't want to talk about myself, sorry, but I mean, just a music lover, music student for all my life. I've been fortunate to learn from some greatest greats in music, the Santur. I play the Santur actually, classical music. I'm a student of Pandit Shiv Kumar Sharma, जो हमको 2022 में छोड़ के चले गए लेकिन बस उनकी दया है जो भी संगीत आता है बस उनकी दया है बस और रफ़ी साहब का प्यार है तो बस इतना ही है और कुछ नहीं। बहुत खूब आई हैड द प्लेजर ऑफ लिसनिंग टू पंडित शिव कुमार शर्मा लाइव व्हेन आई वाज बैक इन इंडिया सो यस वेरी नाइस टू हैव यू हियर एंड लिसन टू योर वॉइस डेफिनेटली। तो पहले गाने की बात हो रही थी तो रफ़ी साहब ने अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में किया था और यू नो उनका फर्स्ट जो रिकॉर्डिंग हुआ था वो समवेयर व्हेन ही वाज अराउंड 17 और 18 इयर्स ऑफ एज सो दैट्स हाउ अर्ली ही स्टार्टेड एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट नवनीत जी ही इज गोइंग टू रेंडर अ ब्यूटिफुल संजीव कुमार पिक्चराइज्ड सॉन्ग फ्रॉम 1970 फिल्म खिलौना। नमस्कार आप सबको और बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी तुषार जी फॉर हैविंग अस हेयर। और तो ये मैं खूबसूरत गाना लेके आया हूँ और बाय द वे अबाउट मी आई एम नवनीत खरबंदा फ्रॉम कोलंबस ओहायो
इन यूएस। और गाने का शौक़ रखते हैं, और अपने जो सीखा है अपने फादर से सीखा है। मेरे फादर को बहुत शौक़ था, और स्पेशली वो मोहम्मद रफ़ी के गाने बहुत सुनना और गाना पसंद करते थे। तो आई जस्ट लर्न फ्रॉम देम, सो इट्स रूटेड बाय माय पेरेंट्स ओनली। सो ये बहुत खूबसूरत गाना लेके आ रहा हूँ मैं, संजीव कुमार जी और मुमताज़ पे फिल्माया गया था ये, और ऑफ कोर्स खूबसूरत आवाज़ जो है उसमें मोहम्मद रफ़ी जी की है। सो गोइंग फॉर दैट। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं, मजबूर हूँ लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ, और तुम दौड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गिला तुमसे नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। ओ खिलौना मेरे दिल से न लो बदला, जमाने भर की बातों का ठहर जाओ सुनो मेहमान, मैं चंद रातों का चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। थैंक यू, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत और शुक्रिया। very nicely sang, you know, you really brought the whole movie in front of us as you were singing.
नवनीत जी, आप ओरिजिनली योर एंसेस्टर्स और मे बी यू आर ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, एंड देर इज वन थिंग कॉमन बिटवीन यू, रफी साहब वॉज ऑल्सो फ्रॉम पंजाब ओरिजिनली. यस, या ही वॉज फ्रॉम पंजाब एंड देन ऑब्वियसली ही केम टू मुंबई, यू नो, एंड देन थ्रू नेटवर्किंग ही स्टार्टेड सिंगिंग फर्स्ट एज यू नो डूइंग सम स्मॉल पार्ट्स और कोरस सिंगिंग इन नौशाद ग्रुप, एंड देन बट ही वॉज सो टैलेंटेड विद इन ईयर ही स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली रिकॉर्डिंग. सो दैट वॉज रफी साहब. सो नाइस. ऑडियंस कमेंट्स भेजते रहिए, आपका ये काम है, गाने सुनते रहिए. और दो गानों के बाद ऑडियंस के लिए भी कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज से स्टे ट्यून्ड. और अब मैं आमंत्रित करूंगा सुशीत जी को, जो दोस्ती फिल्म का गाना लेके आ रहे हैं हमारे साथ. और ये मैं बताऊं कि पहले जो दो गाने थे और ये जो भी गाना आ रहा है, ये सारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने स्वरबद्ध किए थे. सो वेलकम सुचित जी, प्लीज शेयर समथिंग अबाउट योर सेल्फ विद द ऑडियंस एंड लेट्स हैव योर सॉन्ग. नमस्कार आप सबको और सारे ऑडियंस लोगों को भी नमस्कार. मेरा नाम सुचित और मैं आई लिव इन माउंट ऑलिव न्यू जर्सी. लाइक सब लोगों ने जैसे बताया, मेरा भी गाना पैशन है. और जो भी गाना गाता है या सुनता है रफ़ी साहब को, तो इग्नोर नहीं कर सकते हम, क्योंकि रफ़ी साहब के गाने के बारे में ऐसा है कि वो हर टाइम के लिए फिट होता है. ऐसे पुराने ज़माने में फिट होता है, अभी भी फिट होता है. सो उसमें मॉडर्न जैसा वैसा भी है और क्लासिकल भी है, हर तरह का है. शुरुआत मेरा रफ़ी साहब, किशोर साहब को सुन सुन के जो भी मैंने सीखा. और अभी मैं क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल पंडित सुरेंद्र कठुला सर से सीख रहा हूँ. चलिए, ये वाला गाना जो है, गीत बहुत प्यारा गीत है, दोस्ती मूवी का, 1964. देर न करते हुए सुनते हैं. धरती माँ के लिए
शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी गिरन एक बिछड़ी गिरन फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मेरे पास छोड़ो ये सारा भरम मेरे पास छोड़ो ये सारा भरम जो मेरा दुख वही है तुम्हारा ही गम है तुम्हारा भी गम देखता हूँ तुम्हें जानता हूँ तुम्हें रात अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह जिसने सब को रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा वाह 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 बहुत बहुत खूब गाया आपने और कमेंट्स आ रही हैं ऑसम सिंगिंग ब्रिलियंट सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुल सिंगिंग तालियां बज रही हैं फेसबुक पे सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग टू शामे गाना टुडे अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नेक्स्ट सिंगर हेमल जी को हेमल जी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत भूषण पर फिल्माया गया तकदीर फिल्म का एक गाना हेमल जी आइए थैंक यू अनुपम भाई बहुत ही बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं आप और पहले तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे तुषार भाई के लिए डॉक्टर तुषार के लिए एक से एक बेहतरीन इवेंट लेके आए आ रहे हैं और हर बार की तरह और हमारा सौभाग्य है कि आज रफ़ी साहब की जो पुण्यतिथि थी हम उन ये हम सब साथ में मना रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं ये रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट दे रहा हूँ क्योंकि रफ़ी साहब को सिर्फ रफ़ी साहब को सुन के ही मैं सीखा हूँ जो भी हो बचपन से तो मेरे गुरु है तो मैं हमेशा उनको गुरु ही माना मैंने तो मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ आई मस्ट से कि मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ उनकी ही इज़ द ओनली सिंगर फॉर मी तो मेरा सौभाग्य आज गाने के लिए जो गाना गाने जा रहा हूँ भरत भूषण जी का जो उसके फिल्माया गया है तो देखिए निभाने की कोशिश करता हूँ मुझे भूल जाना अगर हो सके मुझे भूल जाना अगर
फिर याद आना अगर हो सके मुझे भूल जाना अगर हो सके मुझे मेरा प्यार गुजरे जमाने की बात मेरा प्यार गुजरे जमाने की बात रहे याद क्यों भूल जाने की बात नहीं मेरे हम सफर मुझे माफ करना मेरे हम सफर कहीं खो गया मैं तुम्हें छोड़ कर तुम्हें सदा मुस्कुराना अगर हो सके मुझे भूल जाना अगर हो सके न फिर याद आना अगर हो सके मुझे थैंक यू. आपने इतने अच्छे से गाया, यू नो, ये गाना कोई भूल नहीं सकता. और यू डिड इट वेरी वेल, प्रेजेंटेड इट सो वेल, एंड काफ़ी ऑडियंस भी खुश हैं. यू नो, ऑसम सिंगिंग, सोलफुल सिंगिंग, काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं. सो यू नो, थैंक यू फॉर रेंडरिंग दिस सॉन्ग इन सच अ ब्यूटिफुल वॉइस. वेरी थैंक यू. थैंक यू अनुपम जी. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. और आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आप उनकी आवाज़ की बात कर रहे थे, राइट? ही इज़ दी you know, ultimate, and you learned a lot just listening to his voice, right? So, Manmohan Desai, you know, the famous director, when somebody asked him about Rafi Saab, you know, basically, and he said, if there is the voice of God, it is Mohammed Rafi. So that was the quality of the voice that we were fortunate to listen to in our times and are still listening and are still celebrating. So that's the greatness of Rafi Saab. Now I would like to invite Dr. Tushar, who needs no introduction, to present the song that he has selected. Thank you so much, Anupam ji, for wonderfully hosting this wonderful episode of Tribute to Rafi Saab. Rafi Saab is not a singer only, he is an institution himself, we all know that. And I'm so privileged to have all four singers this evening, all my dear friends, and wonderful singers who joined this evening to celebrate this tribute episode. So my song is
पिक्चराइज ऑन मनोज कुमार संग बाय रफ़ी साहब. रफ़ी साहब ने काफ़ी गाने गाए हैं कई एक्टर्स के लिए, लेकिन मनोज कुमार के लिए प्रोबेबली ही संग अबाउट 4 or 5 सॉन्ग्स एंड आई पिक बोथ सॉन्ग्स टुडे. एक्चुअली वन सॉन्ग मनोज कुमार. And the movie. रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा. रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा. कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा. रहा गर्दिशों में हरदम कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी. कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी. वो कदम कदम पे जीते मैं कदम कदम पे हारा. रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा. रहा गर्दिशों में हरदम हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है. ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है. ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है. के उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा. रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा. रहा गर्दिशों में हरदम पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले. पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले. जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा. रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा. कभी डगमगाई कश्ती कभी हो गया किनारा. रहा गर्दिशों में हरदम. Thank you so much. Thank you very well sung Dr. Tushar. Facebook bhi bol raha hai fabulous singing, very nice singing, and you know as usual this came out very nice.
वेरी नाइस सॉन्ग. थैंक यू सो मच. यस, सो यहाँ पे हम दर्द भरे गाने का सिलसिला ख़त्म करते हैं, और लेकिन दिल की बातें तो जरूर शुरू ही रखते हैं, क्योंकि अब हम गाने वाले हैं थोड़े रोमांटिक सॉन्ग्स. तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मदन जी को, जो 1964 की दोस्ती फिल्म का और एक गाना लेकर आ रहे हैं. दोस्ती वॉज द फिल्म वेयर मोहम्मद रफ़ी सेंग ऑल द फाइव सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म्स एंड द फिल्म वॉज अ सुपर हिट. आइए मदन जी, लेट्स अगेन लिसन वन अनदर सॉन्ग इन योर ब्यूटिफुल वॉइस. थैंक यू जी. मूड चेंज हो गया है लेकिन दोस्ती कंटिन्यूड है, दैट इज वॉट इज गोइंग ऑन. सो रफ़ी साहब की दोस्ती, रफ़ी साहब का प्यार चल रहा है. ऑल राइट, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम दोस्ती. जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार. कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार. का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर. कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार. के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार. कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार. काहे प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारो नहीं कोई दाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई दाम. कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार. कोई जब राह न पाए मेरे संग आए,
के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार थैंक यू सो मच. बहुत खूब ताली बजा रहे थे, अब हम ताली बजा रहे हैं. आपने एकदम मग्न होके ये जो गाना प्रस्तुत किया है तो सारे दोस्तों के लिए क्या है भाई, तो उसमें और ज्यादा दम आएगा ना दोस्ती का. बिल्कुल आना ही चाहिए. और रफी साहब का गाना है तो ऑब्वियसली इंस्पायर होते ही हैं हम सब. तो वेरी वेल डन. फेसबुक पे कमेंट्स आ रही है, सुपर्ब सिंगिंग, एक्सलेंट सिंगिंग. सो वी आर गोइंग टू हियर यू मोर ड्यूरिंग द शो. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नवनीत जी को, who is bringing a very beautiful song. 1965 ki film thi Kajal, aur Meena Kumari was also was in this song. So Nandini ji, welcome, and let's listen to this dil ko chhune wala song, chhu lene do nazuk hoton. Bahut bahut shukriya Anupam ji. बहुत अच्छे आप कमेंट्री और हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल करना ही चाहिए. आप सब इतने बढ़िया गायक हैं कि यू नो वी जस्ट फील लाइक बिल्कुल ये सब देखो गायक को जो गायक है ना सुनने वाले और तारीफ करने वाले बनाते हैं. अगर वो नहीं हो तो गायक जीरो है. तो हमारे आगे जो वन और जीरो लगता है और हम 100 बनते हैं वो उन्हीं की वजह से बनते हैं. थैंक यू फॉर दैट. ओके चलो मैं ये गाना सुनाता हूँ. छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान ये. छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान ये. कुदरत ने जो हमको बचा है वो सबसे हसीन इनाम है ये. छू लेने दो नाजुक होठों को, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां. शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां. बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये. छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये. छू लेने दो नाजुक होठों को. अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है. अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है. इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत
बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रही हैं फेसबुक पे, और मैं ये कहना चाहूँगा, छू गई आपकी आवाज, ऑडियंस बहुत है खुश मगर क्या बात है, रफी साहब भी होंगे खुश, अभी आवाज नहीं ये जाम है ये। बहुत जी, बहुत खूब अनुपम जी, बहुत बढ़िया। तो मैं अगले गाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सुशील जी को, जो ईमेल के जमाने में खत की बात करने वाले हैं जी। आपने खूब पहचाना, गा रहे हैं गाना लिखे जो खत तुझे, फिल्म थी कन्यादा। तो आइए सुनते हैं नवनीत जी की आवाज में। थैंक यू अनुपम जी। चलिए, अब आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया गाने का, सो बिना टाइम स्पेंड करे गाने पे चलते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये दुआई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे
जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरे है, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। धन्यवाद। Very nice. Once again, very soulful singing. A lot of comments on Facebook. So audience is really enjoying your voice. And just a quick question. आपने खत लिखे थे? खत? ये तो आपने सीक्रेट वाली बात पूछी। हाँ 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 लिखा था। Very nice. और लिखा था शादी फिक्स होने के बाद लिखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े शरीफ थे आप, मौका ही नहीं मिला ना उससे पहले। But I'm sure you got inspired by this song, लिखे जो खत तुझे, so you know you sang it so much from your heart, बहुत खूब। एक बात यहाँ बताना चाहूंगा खत के बारे में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो खत का एक जो कमाल था ना, खत बहुत टाइम बाद पहुंचते थे उस टाइम, इट टुक लाइक 15 दिन 20 दिन लग जाते थे, और खुले खत होते थे, पोस्ट कार्ड उनका एक फिक्स टेम्पलेट होता था, आप कैसे हैं, आपकी कुशलता, ईश्वर से नेक चाहते हैं, अबला अबला नीचे एक टेम्पलेट होता था, लेकिन वो खत बात किया करते थे, वो जब खत आते थे तो वो एक्चुअल में सामने बंदा होता था, बात करता था हमसे। अब तो सामने बंदा भी गूंगा ही हो जाता है, क्योंकि अब इमोशंस ख़त्म हो गए काफ़ी हद तक, अब हमारे पास इतने मीडिया हो गए लेकिन इमोशंस गायब हो गए। बहुत आपने बहुत सही बात की है, और यू नो तो शामे गाना इज अ प्लेटफॉर्म जहां हम वही इमोशंस ताज़ा कर सकते हैं, बिल्कुल, और आप जैसे सिंगर्स आते हैं तो वी जस्ट फील ब्लेस्ड कि वी कैन गो बैक टू दैट टाइम एंड एन्जॉय एंड रिवाइव दोज मेमोरीज, और यू नो नैरेट इट टू अवर यू नो नेक्स्ट जनरेशन दैट देयर यूज्ड टू बी समथिंग लाइक दैट। यस, वी आर डेफिनेटली ब्लेस्ड दैट तुषार जी कोऑर्डिनेट्स ऑल दिस प्रोग्राम, बिकॉज आई थिंक coordination of this program is way more difficult than singing, way way more difficult, so he is doing a very best job for all of us. Thank you very much. Thank you. So agla gana, it's connected with roop tera mastana. Ab hum kishore kumar ke gaane ki baat nahi kar rahe hain, मोहम्मद रफ़ी की जी की ही बात कर रहे हैं। सो फिल्म का नाम था रूप तेरा मस्ताना, और मुमताज़ और जितेंद्र पे फिल्म आया गया, 1972 की फिल्म थी। लाकर आ रहे हैं हेमल जी। थैंक यू अनुपम जी। नवनीत भाई ने सही कहा कि तुषार भाई, तुषार जी है, बहुत ही एक से एक बेहतरीन इवेंट्स लेकर आ रहे हैं, तो एवरी फ्राइडे हम उनके इवेंट्स का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं, तो और आप भी बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रहे हैं। तो पहले तो ये पर्टिकुलर जो गाना है, मैं रफ़ी साहब के लिए एक चीज़ बोलूँगा कि आई वुड से मेरी तरफ से, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट ही इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगर। उनके जो नगमे हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और जो गाना अभी गाने जा रहा हूँ वो भी इज़ वन ऑफ देम। सारी यूनिक, सब टीडियस रहती है, इसको अतरंगी रहते हैं उनके सारे, तो इज़ वन ऑफ देम, तो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। Mm-hmm.
हसीन दिलरुबा करीब आ जरा के अभी दिल नहीं भरा करीब आ जरा के अभी हसीन दिलरुबा करीब आ जरा के अभी हेमल जी, रफी साहब के गाने कठिन होते ही हैं, ये गाना तो बहुत ही कठिन था, पर यू नो यू डिड इट वेरी वेल। और थालियां बज रही हैं फेसबुक पे, ब्यूटीफुल सिंगिंग, लवली सिंगिंग कमेंट्स आ रही हैं, सो वेरी नाइस, थैंक यू वेलकम। वॉइस इज मोर सुप्रीम यू नो देन द बीट, सो थैंक यू, सो वेरी नाइस। अब आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर तुषार, जो फिल्म अभिलाषा का एक गाना प्रस्तुत कर रहे हैं, विच एट दैट टाइम आल्सो केम इन टॉप 25 इन बिना का संगीत माला। सो वेलकम बैक तुषार जी। थैंक यू सो मच अनुपम जी। सो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट हेमल जी आल्सो, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू हिम फ्यू वीक्स बैक दैट वी आर डूइंग दिस रफी साहब सेगमेंट स्पेशल ट्रिब्यूट टू हिम, ही सेड लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। So he came up with this ideas of romantic songs and emotional songs, and so four different segments. So I think the credit also goes to
Hemal ji for this wonderful theme this evening. Thank you, Tushar bhai. Tushar bhai, just video stop ho gaya hai Facebook pe. No, I resend the link already. It's back now. Yes, it's a new link. Use the new link now? Yes, yes. Oh, then, okay. Yes. Just give us 1 minute to share the link, please, before we start the next song. Sure. Yeah, we have shared the link. Thank you. Let's hear this wonderful song. Badiya mera daman, raaste meri baahein, jao mere siwa. तुम कहाँ जाओगे वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादियाँ मेरा दामन जब चुराओगे तन तुम किसी बात से जब चुराओगे तन तुम किसी बात से शाखे गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से अपनी ही जुल्फ को और भूल जाओगे वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादियाँ मेरा दामन जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादियाँ मेरा दामन थैंक यू सो मच क्या बात है
है डॉक्टर तुषार, तालियां बज रही हैं, यू नो, एंड जैसे वादियां माहौल बदल दिया, ऐसे सब कमेंट्स आ रही हैं. वेरी नाइस सिंगिंग, यू नो, केम आउट सो फ्लॉलेस, वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस सॉन्ग टू शामे गाना टुडे. थैंक यू. सो बिफोर we all go into the next segment, which is about Rafi Sahab's songs. Some of them are ghazals and bhajans. So not romantic songs, not dard bhare geet, but something that, you know, a little different. That's our next segment. So before I go into that, I have a question for audience. So how many songs has Rafi Sahab is estimated to have sung in his lifetime? You know, so your options are, did he sing between 15 to 20,000 songs, 20,000 to 25,000 songs, or between 25,000 to 30,000 songs? So what's the general consensus around it? So your guess, please post it on the Facebook as a comment. Again, your options are whether he sang 15,000 to 20,000 songs within that range, 20 to 25,000 songs, or 25,000 to 30,000 songs in his lifetime. So please post your answers while we are about to start our next segment. So as I told you, it is about, you know, ghazals and bhajans and some of the songs. So the first song is going to be presented by Madan ji. 1956 ki film thi Basant Bahar, aur Bharat Bhushan pe, you know, film aa gaya tha, geet tha, and it actually won a national award for a best feature film in Hindi in 1956. So gana hai Duniya Na Aaye, aur sunenge Madan ji ki awaaz mein. So let me just review the responses. Yes, a lot of you are actually correct. The general consensus, he sent around 27,000 songs. So in that range. So, you know, thank you audience for making that guess and participating in this poll here. Aur aise hi comments bhejte rahiye aur sabki hausla afzai karte rahiye. On another note, I do have to leave tonight. So Tushar ji will be also taking over being the host. So I will see you again in some other episode of Shame Gana. Singers, it was a pleasure to meet you all, and you are amazing singers. Anupam ji, thank you so much. Thank you so much, Thank you, Anupam ji. Thank you so much. My pleasure. But I'm still listening to you guys. I'm just not here on the screen. So yes, I think Anupam ji has a guest home, and he was kind enough to start off this evening. So I'm so thankful to him as well, sharing the family with us, this family time with us, and dedicate our 15 minutes with us this evening. So thank you so much. Thank you. Always thank my you, pleasure. Anupam ji. Bye-bye. All right, guys, let's start. Round three, we'll start with Madan ji. Okay. Okay. So now the next song is a extreme challenge for me. Okay. Ye classical based gana hai. Aur ye raag Miyan ki todi par based hai. Miyan Tansen ne is raag ko khud compose kiya hai. Isliye usko Miyan ki todi kehte hain. और मतलब मोस्ट ऑफ द सॉन्ग इज़ बेस्ड ऑन मियाँ की थोड़ी, देर आर सम अदर वेरिएशंस विद इन, बट लेट्स इग्नोर दैट फॉर नाउ. बट बेसिकली इट्स अ क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग, सो आई होप आई एम एबल टू डू सम जस्टिस. गलती हो गई तो पहले से ही बोलता हूँ, माफ़ कर देना. बस कोशिश कर रहा हूँ. थैंक यू. Ah
लाल दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों ने चरणों में दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में मेरे गीत मेरे संग सहारे मेरे गीत मेरे संग सहारे कोई न मेरा संसार में कोई न मेरा संसार में दिल के ये टुकड़े बाजार में दुनिया के बाजार में मन के ये मोती रखियो तू संभाले मन के ये मोती रखियो तू संभाले चरणों में चरणों में तेरे चरणों में सात सुरों के सातों सागर सात सुरों के सातों सागर मन की उमंगों से जागे मन की उमंगों से जागे तू ही बता तेरे हवाले चरणों में चरणों में तेरे चरणों में चरणों मैंने तुझे कोई सुख न दिया तूने दया लुटाई दोनों हाथों से मैंने तुझे कोई सुख न दिया तूने दया लुटाई दोनों हाथों से तेरे प्यार की याद जो आए तेरे प्यार की याद जो आए दर्द छलक जाए आँखों से दर्द छलक जाए आँखों से जीना नहीं आया मोहे अब तो बुला ले जीना नहीं आया मोहे अब तो बुला ले चरणों में चरणों दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले चरणों में तेरे चरणों में चरणों में
Thank you, जी. Thank you. Wonderful, wonderful singing, Madan जी. I don't know. Yeah, soulful singing. Wow. I don't know. Thank you. True tribute to Rafi Sahab this evening. जी, in जी, this thank cousins you. Classical and Bhajan segment, Duniya Na Bhaye, 1956, Basant Bahar. Written by Shailendra ji. Lyrics yes. are written by Shailendra ji. I always want to mention the lyricist also. Yes. And yes. It's very important. Picture eyes on Bharat Bhushan, and this was a national award for best feature film in Hindi. So wonderful song from Basant Bahar. Thank you so much. Thank you. Madan ji, sirf itna kahunga ke this is the bestest of this evening. Yes. Really, kya gaya apne, pure rongte khade ho gaye. नहीं, ऐसा मत बोलो, बस आप लोग सभी अच्छा गा रहे हो भाई, ऐसा लेकिन नहीं है. Honestly speaking, मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए. हाँ, really, बहुत beautifully गाया आप. Thank you. So I would like to invite now Navneet ji, और ये मेरा बहुत ही favorite गाना है. मैं काफी बार गा चुका हूँ, very tough song है, लेकिन I'm pretty sure Navneet ji will do a full justice to this song. Go ahead and then we'll talk about the song. बहुत बहुत शुक्रिया तुषार जी. और डेफिनेटली बहुत लोगों का फेवरेट है और मेरा भी बहुत दिल के करीब है ये. एंड स्पेशली समटाइम्स वी फील कनेक्टेड व्हेन वी आर इन द मिड वे ऑफ दिस सॉन्ग, एज लॉन्ग एज वी आर सिंगिंग इन द राइट वे. ओके, तो ये कल्याण जी, आई थिंक कल्याण जी आनंद जी ने इसको संगीतबद्ध किया था 1970 गोपी मूवी से. और ऑफ कोर्स ये सुपर हिट मूवी थी दिलीप साहब की. तो मैं गाना गाने जा रहा हूँ. Thank you.
ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा हो सुख के सब साथी दुख में ना को। बाहर की तू माटी फांके, बाहर की तू माटी फांके, मन के भीतर क्यों ना झांके। उजले तन पर मान किया, मन की मैल न धोई सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना जाके। उजले तन पर मान किया और मन की मैल ना धोई। वाह क्या लिरिक्स लिखे है, बहुत खूबसूरत लिरिक्स, बहुत खूब। और आपने गाया भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑलराइट, लेट्स इनवाइट सुचित फॉर हिज राउंड ऑफ दिस सेगमेंट। छलके तेरी आंखों से शराब, 1965 पिक्चराइज ऑन राजेंद्र कुमार मूवी आरजू। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, शरारती वाला गजल के अंदाज में गीत है, चलिए सुनते हैं। छलके तेरी है, छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा, छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा, छलके शराब और जियादा। खिलते रहे होठों के गुलाब और जियादा, छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा।
है जाने तेरी महफिल में सितम गए। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितम गए। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितम गए। धड़के हैं दिले खाना खराब और जियादा छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। आबरू की कतारी को दुआ और जियादा छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा। तूफान को बाहों में जकड़ ले। तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले। तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले। अल्लाह तेरे जोरे शबाब और जियादा छलके तेरी आंखों से शराब और जियादा। खिलते रहे होंठों के गुलाब और जियादा। Wonderful rendition, Suchit. Very nicely done. Full emotions. Perfectly sung. So let's invite our last singer for this segment, Hemal ji. Unke khayal aaye to aate chale gaye. 1971 movie Lal Pathar, picturized on Raj Kumar and Hema Malini. Thank you, Tushar. उनके ख्याल आए तो आते चले गए। उनके ख्याल आए तो आते चले गए। दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए। उनके जो सांस आ रहा है किसी का कयाम है। जो सांस आ रहा कयाम है। बेताबियों को और बढ़ाते
चले गए इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा वीरान मेरा दिल था बसा के चले गए उनके ख्याल होशो हवास पे मेरे बिजली से गिर पड़ी होशो हवास पे मेरे बिजली से गिर पड़ी मस्ती भरी नजर से खिलाते चले गए उनके ख्याल आए तो आते चले गए बनाते चले गए उनके वाह 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 क्या बात वंडरफुल थैंक यू सुपरबली संग फुल इमोशंस और फुल जस्टिस टू द सॉन्ग बहुत अच्छा गया वेरी नाइस थैंक यू सो आई थिंक दैट concludes our Ghazals Classical and Bhajan segment and let's enter into the last segment which is one of my most favorite one of Rafi Saab, Peppy Songs. So let's invite Madan Ji for kya gana hai ye to? Arre! Le gai dil gudiya Japan ki. अभी जापान जाना पड़ेगा मतलब जापान सब जाना पड़ेगा अच्छा अच्छा ठीक है 1967 movie चलते हैं चलते हैं निकलते हैं let's go Japan Love in Tokyo Japan Love in Tokyo गई दिल गुड़िया जापान की ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया पागल मुझे कर दिया ले गई दिल गुड़िया जापान की ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया पागल मुझे कर दिया जापान लव इन टोक्यो ये तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज माशुकाना देता है प्यार का पैमाना करता है सबको दीवाना ये तो शहर मस्ताना जिसका अंदाज माशुकाना देता है प्यार का पैमाना करता है सबको दीवाना ले गई दिल
गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया जापान, लव इन टोक्यो। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया जापान, लव इन टोक्यो। नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी। नाचे हर मोड़ पे जवानी, कहती है प्यार की कहानी, आई वो कैबरे की रानी, जिसकी अदा में जिंदगानी। ले गई दिल आए गुड़िया जापान की, ले गई दिल ओहो गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया जापान, लव इन टोक्यो। Japan, love in Tokyo, Japan, love in Tokyo, Japan, love in Tokyo. जापान से थोड़ी मस्ती, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छी सफर कराई जापान की, लव इन टोक्यो की और जॉय मुखर्जी के साथ, बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस, थैंक यू यस। चलिए नवनीत जी, बार बार देखो शम्मी की स्टाइल में कराओ 1962 चाइना टाउन की। बिल्कुल जी, मुझे तो आप पता चल गया मदन जी जापान क्यों जाते रहते हैं, अब समझ आ गई बात। कैमरे को देखने के लिए और वो भी ये पब्लिकली बोल रहे हैं। Some things are not to be told. Yes. चलो ये गाना गाते हैं। ये गाना चाइना टाउन से है और फिल्माया गया था शम्मी कपूर जी पे, जैसे तुषार जी ने बताया। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि जो हम लोग इंडियंस हैं ये काफ़ी हद तक उन पे फिट होता है कि बार बार देखो हमें देखते ही रह जाओगे। तो भगवान की कृपा से हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि जो हमसे मिलता है वो बस मिलता ही रह जाता है। तो उसी जोश के साथ बढ़ते हैं इस गाने की ओर। Thank you.
बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो टाले हो टाले हो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो टाले हो टाले हो दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ है हाँ जी हाँ और भी होंगे दिलदार यहाँ लाखों दिलों की बहार यहाँ पर ये बात कहाँ ये बेमिसाल हौसला जवाब ये अदा टाले हो टाले हो टाले हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो टाले हो टाले हो नेक्स्ट पैराग्राफ आप सबके लिए दिल मिला एक जन महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला ये ना पूछो के कहां दिल मिला एक जन महफिल मिला या चराग मंजिल मिला ये ना पूछो के कहां नया नया ये आशिकी का राग है मेरा टाले हो टाले हो टाले हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो टाले हो टाले हो बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों चले बैठ जाओ मेहरबान बल बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले प्यार पे मेरे कहो क्यों चले बैठ जाओ मेहरबान दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिल रुबा टाले हो टाले हो टाले हो बार बार देखो हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो Thank you. Very, very nice. From Joy Mukherjee to Shammi Kapoorji. Yeah, wonderful. Wonderful singing, full emotions. बार बार चलो भी मैं कहने वाला था बीच में लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है इस गाने के बाद में बार बार चलते हैं अभी बार बार जापान चलते हैं हाउ अबाउट दैट मदन जी फिर ये चाइना टाउन भी लेके गए हमको मदन जी जो है ना अभी कुछ और ही मोड में जा रहे हैं पहले कैमरा फिर बार पता नहीं
आज शाम अभी हसीन है। बिल्कुल मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वेरी वेरी नाइस। चलो लेट्स इनवाइट हेमल जी फॉर द फिनाले सॉन्ग ऑफ दिस इवनिंग। सुचित सुचित का गाना है। ओह सॉरी सॉरी सुचित सुचित यस थैंक यू डॉक्टर सर। आई गॉट कैरिड अवे। ठीक है देखा ही तेरी आंखों में प्यारी प्यार yes. थोड़ा फर्स्ट नंबर है। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में बहारों की परी ये है तकदीर मेरी। जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी। ए बहारों की परी ये है तकदीर मेरी। जो भी समझा है मुझे वो इनायत है तेरी। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में मेरे अच्छे थे करम जो मुलाकात हुई। मेहरबान हुस्न हुआ क्या अजब बात हुई। मेरे अच्छे थे करम जो मुलाकात हुई। मेहरबान हुस्न हुआ क्या अजब बात हुई। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू। जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू। मैंने सोचा भी न था मुझको मिल जाएगी तू। जैसे लहराए सबा ऐसे लहराएगी तू। देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार। देखा है तेरी आंखों में। वाह वाह वेरी नाइस।
प्यार ही प्यार बेशुमार 1969 प्यार ही प्यार मूवी पिक्चराइज ऑन धर्मेंद्र एंड वैजयंती माला वंडरफुल सुचित एंड नाउ वी इनवाइट एमएल जी फॉर हिज लास्ट सॉन्ग थैंक यू तुषार जी और तुषार जी आपने वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड इवेंट और एक से एक बढ़कर गाने सुनने को मिले आज मदन जी से नवनीत भाई से सुचित भाई से सबने बहुत ही बेहतरीन गाया तो बहुत मज़ा आया आज गाने के लिए आप लोगों के साथ और ये पर्टिकुलर जो गाना गाने जा रहा हूँ अगेन रफ़ी साहब का थोड़ा अतरंगी गाना है तो निभाने की कोशिश करता हूँ इस गाने की एक खासियत है जरा म्यूजिक के अंदर मुझे बाद में बताना सुनने के बाद कि आपको क्या खासियत लगी ओके और एक और बात बताऊँ ये गाना मैंने रफ़ी साहब के काफ़ी गाने सुने हैं लेकिन ये गाना मैं पहली बार सुन रहा हूँ तो इट्स फ्रॉम 1968 मूवी कॉल आबरू यस यस मालूम भी नहीं था कि ये मूवी आबरू है कोई तो ऐसे तो बहुत सारे गाने रफ़ी साहब के वो ऐसे छन्नी करनी पड़ती है तब जाके मिलते हैं ऐसे गाने लेकिन ये थोड़ा अलग सा गाना है उसकी ट्यून वगैरह तो मैं निभाने की कोशिश करता हूँ आपसे प्यार हुआ आप खफा हो बैठे मिलके बैठे भी न थे और जुदा है जुदा हो बैठे आपसे प्यार हुआ आप खफा हो बैठे मिलके बैठे भी न थे और जुदा है जुदा हो बैठे आपसे प्यार हुआ तो क्या गहरे की नौ चलती है सांस लेती हो तो क्या गहरे की नौ चलती है बूय कहती है कोई दिल किसी से जलती है कोई दिल किसी से जलती है सुर्ख शोले की तरह सुर्ख शोले की तरह आप ये क्या हो बैठे मिलके बैठे बिना थे और जुदा है जुदा हो बैठे आपसे प्यार हुआ जोश पे हुस्न का तूफान नजर आता है जोश पे हुस्न का तूफान नजर आता है इश्क की मौत का सामान नजर आता है सामान नजर आता है और कश्ती से किनारे और कश्ती से किनारे भी खफा हो बैठे मिलके बैठे भी न थे और जुदा है जुदा हो बैठे आपसे प्यार हुआ हो
हर नजर तीर सही, देखिए एक बार हमें हर नजर तीर सही, देखिए एक बार हमें मरना तकदीर सही, मौत से है प्यार हमें अब मौत से है प्यार हमें, खींचिए यू ना कमा, खींचिए यू ना कमा, तीर खता हो बैठे मिलके बैठे भी न थे, और जुदा है जुदा हो बैठे, आपसे प्यार हुआ आप खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा है जुदा हो बैठे, आपसे प्यार हुआ। थैंक यू। वाह 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 वाह, वंडरफुल। आपसे प्यार हुआ, क्या रोमांटिक पैपी सॉन्ग टुगेदर, वंडरफुल ही सॉन्ग। Thank very, you, thank very, you. Very nice singing, everyone. Let's hear from each one of you few seconds. आपने इस गाने के अंदर, मैंने पूछा था, कुछ नोटिस किया इस गाने के लिए मदन जी और नवनीत भाई, सुचित जी और आप भी, म्यूजिक के लिए तुषार भाई? एक जगह एक लाइन पे मैंने, हाँ एक जगह एक लाइन में मैंने उसका जो मीटर चल रहा था ना उसमें कुछ अलग सा किया, लेकिन आखिर में मीटर में बैठा, मतलब जो वार्ड्स को सेकंड अंतरा जो था वो पूरा अलग स्टाइल में था कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन इसका म्यूजिक ऐसा है कि जब भी अंतरे स्टार्ट होता है वेस्टर्न म्यूजिक से, अंतरा होता है चार लाइन तबले के ऊपर पूरा, और वापस जैसे एकदम ठहराव के साथ जब तब वापस वेस्टर्न म्यूजिक पे स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसकी खासियत ही है गाने के अंदर। तो दो इंस्ट्रूमेंट बजे, तबला और बोंगो दोनों भी बजे इसके अंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू, बिल्कुल शानदार। सारा खेल तुषार भाई का है, उन्होंने अच्छा सा ये मौका लेके आया हमारे लिए, हमको गाने को मौका मिला बस। हम तो कुर्सी में बैठे हैं, आप लोग बहुत अच्छा इवनिंग, टू आवर्स ऑलमोस्ट, वी हैड 18 सॉन्ग्स दिस इवनिंग, सेंटिमेंटल रोमांटिक गजल्स क्लासिकल भजन्स पैपी सॉन्ग, तो व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद मदन जी about your experience this evening. My two lines on this show is, first of all, thank you for inviting me in this, and very well organized and very well conducted. Anupam ji, Tushar ji, बहुत अच्छे, और ऐसे ही और करें, इसे मन नहीं भरता, अभी तो थोड़ा सा रियाज हो गया है, अभी इसके और 10 गाने हो सकते हैं आराम से, बट ये तो है। और बस सभी लोगों ने बहुत अच्छा गाया और इतने वैरायटी के गाने आए, और इट इज़ सच अ फैबुलस थीम ऑफ कोर्स, तो बस एंजॉय किया, बहुत बहुत एंजॉय किया, देयर इज नथिंग एल्स बट एंजॉयमेंट टुडे। थैंक यू। नवनीत जी, तुषार जी, आपके शो के तो हमेशा हमें बहुत मज़ा आता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, बिकॉज जैसे इन्होंने कहा, डिटो टू दैट, कि आपका शो वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड है, और जब दोस्त यहाँ चार दोस्त मिल जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि वी ऑल नो, एंड सुचित जी का तो मुझे लगा ही नहीं कि हम नहीं जानते इन्हें, तो ऐसा लगता है कि सब मिलके एक ही वर्चुअली एक ही कमरे में गा रहे हैं, तो इट फील्स सो नाइस। और थीम का तो क्या कहना, थीम तो एक्चुअली ये थीम इतना कन्फ्यूजिंग था मेरे लिए, क्योंकि और सबके लिए होगा, मोहम्मद रफ़ी बोल दिया मतलब 25,000 गानों में अभी कंफ्यूज ही हो जाओगे, यार ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा, इट्स हार्ड टू चूज, बट एट द एंड आई हाँ किस किस को प्यार करूँ जापान जाऊँ या चाइना जाऊँ नहीं नहीं और पेरिस इवनिंग इन पेरिस, हाँ अभी वो पेरिस वाला तो आया नहीं, जापान का गाना तो एक ही लगता है मुझे, तो दोनों गाने आई कुड हैव मिक्स्ड इट टुगेदर एक्चुअली, इवनिंग इन पेरिस एंड लव इन टोक्यो, सेम थिंग। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, सो मच थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग मी हियर, क्योंकि
एज आई सेट, कोऑर्डिनेशन इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑलवेज, क्योंकि हम गाते तो कहीं भी रहते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट करता है उसका मेन काम है कि वो कैसे लेके आता है. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई एंजॉयड लॉट, थैंक यू. एक्चुअली आई एम सो फॉर्चुनेट विथ ऑल ऑफ यू इन माई लाइफ दैट आई एम एबल टू गेट 450 सिंगर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो फार. सो वाओ, big applause to you, sir. Big support from everyone. So and I think this theme came from Hemal. Again, I'm gonna tell, Hemal was this behind brain for this wonderful theme this evening of this tribute segment. So nahi, hum sabka isme contribution hai, lekin ek cheez main kehna chahunga Rafi sahab ke liye. सारे गामा पा के प्लेटफॉर्म पर सोनू निगम जब भी होस्ट करते थे आज से 20-25 साल पहले, तो हमारे मन्ना दा जो लीजेंड है क्लासिकल बॉलीवुड के अंदर, उनके जैसा कोई भी क्लासिकल नहीं है, ना ही इवन रफ़ी साहब. सब रफ़ी साहब भी उनको ही सुनते थे, सिर्फ मन्ना दा को. तो उन्होंने सब कहा था कि रफ़ी साहब की सिंगिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ सब गायक की सिंगर की सिंगिंग ख़त्म होती है. खत्म होती है उसके बाद ही उनकी सिंगिंग स्टार्ट होती है उनके, क्योंकि वो मन्ना दा उनको बहुत मानते थे. yes. जो है वही है रफी साहब, क्योंकि बोथ लाइक इच अदर, बट जस्ट कहना चाहूंगा रफी साहब के बारे में. सो चित, लेट्स हियर फ्रॉम यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, शामे गाना इंडस्ट्री वी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to part of this auspicious program about tribute, giving tribute to Rafi Saab. और उसके बाद मुझे आज थोड़ा honored feel हो रहा है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे singers हैं कि आपसे आज सीखने को मिला. और सबका अलग अलग style है और voice projection अलग है, तो मुझे सीखने को मिला कि क्या क्या कर सकते हैं. और एंड it's been an honor. सो होपफुली विल बी इन टच, बिकॉज आप तो गुणी लोग हो, तो दोस्त बनेंगे तो अच्छा है. और रफ़ी साहब के बारे में मैं एक चीज़ तो बता दूँ, लाइक यू सेड कि 27,000 गाने हैं, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गाना चूज़ करूँ, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो गाना चूज़ कर लिया, बहुत अच्छा गाना है, निभा पाऊँगा क्या. लाइक ये दो बीच में दो क्वेश्चन के बीच में कंपटिशन करके फिर चार गाने निकले थे. और उनका जो गाने का गाना तो ठीक है, गाना तो सब गाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब का जो गाना वो दिल को छूता है. राइट, तो इसीलिए छूता है क्योंकि वो हकीकत में एक बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो एनर्जी जो है ना वो गाने में आके ऑडियंस तक पहुंचती थी. सो यू नो, सो दैट इज़ स्पेशलिटी अबाउट रफ़ी साहब. एंड वंस अगेन थैंक यू ऑडियंस फॉर स्टेइंग विद अस, लिसनिंग टू अस, एनकरेजिंग टू अस. And Shubh Ratri. Thank you. MLG, anything from you? नहीं, बस बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा. इज एक्सेलेंट. यस, एक तुषार जी, आप एक दो मिनट का एक गाना मुझे गाना है, रफी साहब का लास्ट जो रिकॉर्डिंग था आसपास मूवी से, सिर्फ दो ही एक ही मिनट का गाना है. Okay. वो मैं गाना चाहूंगा. Yes. इजाजत आपकी तो. yes, yes, go ahead. क्योंकि yes. वो बनता है, क्योंकि रफी साहब ने लास्ट रिकॉर्डिंग वही किया था. परफेक्ट. मैं खाली ट्रैक को ढूंढ लेता हूं जरा, एक सेकंड. ना तो आई नो वी हैड इश्यूज विद द फेसबुक लाइव लिंक दिस इवनिंग बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यू. सो टुमारो एट 1 PM वी विल हैव दिस प्रीमियर ऑन यूट्यूब. वी विल शेयर द लिंक बाय 12 o'clock विद एवरीवन. सो those who missed the entire event can watch it on YouTube tomorrow, premiere live, and it will be a HD recording, so everyone will enjoy that. So 1 p.m. Eastern time tomorrow, everyone can watch it again. Looking forward to it. And then next Friday, okay. शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा
कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। रफी साहब, वी लव यू। आप आसपास ही हो, आप हमारे दिल में हो। वेरी नाइस। ये रिकॉर्डिंग का एक उसका एक ट्रिविया किसने मुझे बताया बीच में, ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है, ये लास्ट जो लाइन है आपने अभी गाई, वो एक्चुअली प्लान ही नहीं था। देयर वाज नो प्लान फॉर दिस रिकॉर्डिंग टू हैपन एट ऑल। बट उनको वापस स्टूडियो में बुलाया गया कि अरे वो एक दो लाइन, वो कोई हीरो का कोई सीन है उसमें ना, वो कुछ बैकग्राउंड में कुछ चाहिए, तो आप जरा एक वो दो लाइनें गा के जाओ बस करके उनको वापस स्टूडियो बुलाया गया अंदर और रिकॉर्ड किया। तो ये दो लाइनें वहाँ की वैसी रिकॉर्ड हुई है। और जैसे वो स्टूडियो से नीचे उतरे उनको हार्ट अटैक आ गया। यस यस, बहुत 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 वैसे दो दिन पहले मैं गाना सुन रहा था आपको, वो गाना बहुत प्यारा गाना है, अचानक ऐसे यूट्यूब में सजेस्ट हो गया, दिल का सुना साज तनाना ढूंढेगा, तो उसमें मैं वो लिरिक्स में जो जो कह के गाए थे रफ़ी साहब, आज की डेट में वो हो रहा है, सब ढूंढ रहे हैं उनके गाने खजाने को। राइट, यस, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू एवरीवन, कीप सिंगिंग, कीप कमिंग बैक, विल प्रोबब्ली डू अनदर ट्रिब्यूट इवेंट very very soon. Next Friday actually we are planning a Kishore Kumar tribute, 95th birth anniversary on Kishore Kumar, so please join next. Yes, by the way, one more thing, just yes. One trivia thing, Mohammad Rafi sahab is probably the only playback singer who has sung for Kishore Kumar also. Kaun sa gana hai, yaad hai? शरारत मूवी में थे उनकी, मन मोरा बावरा, यस, टोटल 11 गाना है वो किशोर कुमार के लिए, रफी साहब ने गाया। ये देखो कैसा होता है। और दूसरी बात रफी साहब की है कि जो हीरो के लिए प्लेबैक सिंगिंग होती है वो फर्स्ट टाइम 1948 या 49 में, जब भी कभी सुहानी रात ढल चुकी, फर्स्ट टाइम जब भी उन्होंने हीरो के लिए कैसे गाया जाता है वो फर्स्ट उन्होंने दिखाया बॉलीवुड को ये गाने से। पहले गाने की स्टाइल अलग हुआ करती थी, ये गाने से पूरा ट्रेंड चेंज हो गया गानों का। रुदाली मूवी आई थिंक, नहीं सुहानी रात ढल चुकी, दुलारी मूवी, दुलारी सॉरी, दुलारी दुलारी, तो वो दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग के जो जब बॉलीवुड को प्लेबैक सिंगिंग मिली एक्टर के लिए, के एक एक्टर के ऊपर कैसे गाया जाए, तो तब उसके बाद गानों का ट्रेंड चेंज हुआ पूरा स्टाइल। रफी साहब जितनी बात करें उतनी कम है रफी साहब के बारे में, पूरा एक सेगमेंट बातों का ही कर सकते हैं एक बार। यस यस यस, वेरी वेरी नाइस। बट थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, मेकिंग दिस 2 hours एपिसोड अ मेमोरेबल वन, एंड कीप सिंगिंग, कीप कमिंग बैक, एंड गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, रियली एंजॉयड टुडेस एपिसोड, रियली थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।